मलेशिया के कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हर वक्त बाजार लगा रहता है, जैसे कि ये जगह है जिसका नाम है जेबी, और यहाँ पे रात को डेली बाजार लगता है, दिन को बिल्कुल रोड खाली होते हैं और रात को ये बाजार लगता है जो सारी रात चलता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि नई चीज़ें ये देख सकते हैं, टी शर्टें वगैरह और पैंटी शर्टें, ब्रांडेड चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं, और कुछ चीज़ें खाने पीने की भी बहुत अलग अलग मिलती हैं। और यहाँ से आपको शूज़ मिल रहे हैं 50-50 रिंगिट के, जो पाकिस्तानी काफ़ी पैसे बन जाते हैं, आप कैलकुलेटर करके चेक कर सकते हैं। और ये बाज़ार देखें, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी कुछ अलग अलग सी मिलती हैं। और आगे आगे चलते हैं, ब्लॉग को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जेबी बाज़ार में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बाज़ार काफ़ी बड़ा लगा होता है और बच्चों के लिए इधर खिलौने वगैरह भी मिलते हैं। और आपका भाई आ गया इसको विज़िट करने के लिए और रात का इंजॉय करने के लिए। ये देख सकते हैं वॉचें और पर्स, ये पर्स आप देख रहे हैं जो बने हुए हैं, और आपको इधर लाइफ बंदा बैठा होता है वो पर्स बनाता भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखेंगे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं ये देख सकते हैं, इधर से यूज़ चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे हम लंडा बोल सकते हैं, लंडे के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। ये बंदा रोड के ऊपर हैंड फ्री चार्जर लगा के बैठा हुआ है, और इधर अब आ जाते हैं तो आपको कोई भी दिमाग में चीज़ सोचें कि यार ये चीज़ मैंने इधर से बाय करनी है, और आप बाज़ार को विज़िट करें तो आपको कोई ना कोई चीज़ मिले। जैसे ये भाई गन लेके लगा फिर रहा है, और ये गन दूसरी है भाई साहब, शिकार वाली है, इसे असली गन मत समझ लेना। तो जैसे जैसे आपका भाई फाइनल एक जगह पर पहुँच गया, और ये है जी यूज़ बाज़ार जहाँ पर लंडा लगता है, और इधर आपको ये देखें एक बंदा बैठा हुआ है जो मलाई है, तो वो हैंडमेड पर्स बना रहा है, काफ़ी यूनिक से बना रहा है। और ये भाई देख रहे हैं ना जो बार बार, ये आपके भाई ने भी एक लेटर वाला पर्स देखा है जिसके अंदर लेटर, लेकिन मैंने लेना नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। और ये बंदा पर्स को बार बार ऐसे कर रहा है, और आपको उस भाई के रिएक्शन चेक कराऊँ तो बहुत बुरे हैं। उसने एंड पे इसको बोल भी दिया था कि यार अगर तुमने लेना नहीं है तो इसे बार बार इतना खोल कर क्यों देख रहे हो। तो ये देखेंगे ये नीचे जो लगे हुए हैं, और इस साइड पर नए हैं, और इधर साइड पर आपको सेकेंड हैंड शूज़ मिल जाते हैं जिसमें ब्रांडेड भी हैं और काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं।